उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। आओ बेना, कहां से हैं? माइक लो। पुणे में कहां रहती हैं? हड़पसर। अच्छा, पहली बार दरबार में आए? अपना विषय या अपना नाम तो नहीं आपने बताया था? नहीं, किसको नहीं बताया। थोड़ा हिंदी पढ़ लेती हैं? थोड़ा थोड़ा आता है, मराठी आता है ज्यादा। अच्छा, तो हिंदी आप बराबर पढ़ लेती हो, मिलाकर पढ़ लेती हो? आशीर्वाद यहीं से। पढ़कर पढ़ा सकती हूँ। पढ़ सकते हो, किसी और को तो नहीं बुलाने की आवश्यकता? नहीं नहीं। हाँ, थोड़ा नजदीक आओ, इस तरफ मुंह रखो। हमें जो आज्ञा लगी बालाजी की प्रेरणा से, हमने उसको पर्चे पर लिखा। आप क्या समाधान या प्रश्नों के उत्तर पाना चाहती हैं बालाजी से, पूछें। आपका आशीर्वाद चाहिए, बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद चाहिए, तो बाकी का बात करने के लिए। हाँ, बिना माइक के बोलो। क्या करते हैं? इसमें तो रुपयों का लिखा हुआ, रुपया इकट्ठा करने का, वही है ना? हाँ, इसमें ऐसा है। और हाँ, इसमें तीन बातें आई हमने लिखा। आप आरती कुमारी, घर में आपने अर्जी लगाई थी, हैं? घर में आपने अर्जी लगाई थी, ये माइक से बोल सकते हो, हाँ या ना? घर में आपने अर्जी लगाई थी, वह स्वीकार है। पति के व्यापार का प्रश्न लेकर के आप आई हैं। मूल प्रश्न पैसों का है, कर्ज हो गया है, वह पैसा इकट्ठा करके लोगों को देते हैं, ऐसा काम करते हैं। हाँ। ऐसा काम करते हैं। हाँ। उसे आपकी भाषा में बीसी कहते हैं। बीसी, हाँ, बराबर बराबर, ठीक है, हमारी में हिंदी आई तो रुपया इकट्ठा करते हैं, हमने ये लिखा, तुम्हारी भाषा में उसे बीसी कहते हैं। एक गोपनीय विषय पर स्त्री का चक्कर भी फंसा है। माइक से नहीं बोलना, हमने पूरा भी लिखा। और कोई बात, अब जो माइक से निकल गया वो तो निकल ही गया, हमें नहीं था पता। राम, साधु जी, ओ साधु जी, पर हमने माता जी नाम नहीं बताया किसी का भी। एक मिनट हम लिख लें, अब हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा। राम, साधु जी, ये जो लफड़े हैं बहुत पुराने हो गए सब विषय। नहीं, हम कुछ भी नहीं बोल रहे। और आपने पर्चे में अर्जी लगाई है, बच्चों का भी विषय है, भविष्य को लेकर चिंतित हैं, और बेटा भी वैसे ही उनका कर रहा है। पति का व्यापार चलेगा, हम उपाय एक दो रस्ते हम बता देंगे, उनको आना पड़ेगा, कहना गुरुजी ने बुलाया। हाँ, वो वैसे बहुत ज्यादा मानने वालों में से नहीं है, ठीक है, लेकिन उनसे कह देंगे कि तुम्हारा काला चिट्ठा गुरुजी ने पकड़ रखा है।
उन्हें आना पड़ेगा, नहीं तो हम इंटरनेशनल मीडिया पे बोलेंगे। धमकी मत देना, हम तो मजाक कर रहे हैं। तो किसी की भी प्राइवेसी के बोलने में, बारे में बोलने की हमारी कोई वो नहीं है, लेकिन उनको कहना गुरुजी ने बुलाया, हम उन्हें मस्ता दिखाना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कर्जा में हो गए, बहुत ज्यादा कर्जे की बहुत ज्यादा दिक्कत भी हो गई है, तो हमें उससे उनको निकलवाना है। और एक दो रास्ते हैं जिससे वो निकल सकते हैं, हम प्रार्थना करेंगे, रास्ते हम दिखाएंगे, चलना उनको पड़ेगा। बच्चे भी को भी सद्बुद्धि रहे, बच्चों को आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। अच्छा, ये पर्चा हम टीवी पे दिखाएं या ना दिखाएं? ना दिखाएं, धन्यवाद। उनको आना है, वो धाम तो आ रही है, वो बहुत अच्छी स्वस्थ रहे। अब वो धाम आपको बहुत मानती है, आपकी सासू माँ बिल्कुल तुम्हें बिटिया जैसा मानती है, बेटी जैसा रखती है, तुम भी उनके प्रति बहुत समर्पित हो, अब वो स्वस्थ हो जाएंगी। कहना गुरुजी ने बुलाया है, धाम आवे, जाओ, तुम्हारे घर में बहना आज से ही खुशियां होवे, आशीर्वाद है। नेक्स्ट। अच्छा चले साधु जी, ओ साधु जी,